प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बुद्धि बड़ी होती है या ताकत, तो क्या आंसर देंगे आप? कंफ्यूज हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आइए सुनते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक दिन एक टाइगर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। बट ऑन दैट डे टाइगर को कोई शिकार नहीं मिला। टाइगर मन ही मन सोचने लगा, आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? काश मुझे कोई हेल्दी एनिमल मिल जाता तो मैं अपनी हंगर मिटा लेता और फिर मैं आराम से अपनी डेन में सोता। वैसे भी अब मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। The tiger was very tired and hungry. जैसे ही टाइगर जंगल में आगे बढ़ा, he saw a cave. वह झट से वहां पहुंच गया। केव के अंदर जरूर कोई ना कोई एनिमल होगा। यह सोचकर टाइगर केव के अंदर गया। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई एनिमल है ही नहीं। टाइगर अब बहुत परेशान हो गया था। उसने सोचा, क्यों ना मैं केव में छिप कर वेट करूं? जैसे ही कोई एनिमल केव के अंदर आएगा, I will pounce on it. मैं उस पर झपट पड़ूंगा। और यह कहकर टाइगर केव के अंदर एक कॉर्नर में छिप गया। लेकिन टाइगर शायद यह नहीं जानता था कि उस केव में एक क्लेवर फॉक्स रहता था। डेली की तरह उस दिन भी जब इवनिंग में फॉक्स केव में जाने लगा, He saw something wrong. He thought, Oh, what is this? ये केव के रास्ते में निशान कैसे? ये तो किसी बिग एनिमल के फुटप्रिंट्स लग रहे हैं। बिना पता लगाए कि केव में कौन सा एनिमल है, I should not enter the cave. फॉक्स बहुत क्लेवर था। उसने सोचा, What should I do now? अब मैं क्या करूं? ऐसे तो केव में जाना भी सेफ नहीं होगा। ऐसा करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केव से थोड़ी दूर बैठकर वॉच करता हूं। कितनी देर हो गई, केव से तो कोई साउंड ही नहीं आ रही है। अब कैसे पता लगाऊं हु इज इन द केव? तभी अचानक फॉक्स के माइंड में एक आइडिया आता है। ही वेंट टू द केव एंड शाउटेड, केव, केव। लेकिन फॉक्स को केव से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। वंस अगेन फॉक्स लाउडली केव से पूछता है, केव, केव, डियर केव, आज तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू केव? कुछ तो बोलो। रिप्लाई टू मी। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं वापस जंगल चला जाऊंगा। फॉक्स की बातें सुनकर टाइगर परेशान हो गया। एक तो वह हंग्री और टायर्ड था और दूसरी तरफ फॉक्स जाने की बात कह रहा था। तब टाइगर ने सोचा,
जरूर यह केव फॉक्स को उसके बुलाने पर कुछ रिप्लाई देती होगी। आज भी फॉक्स उसे कॉल कर रहा था, बट लगता है यह केव मुझसे डर कर साइलेंट है, इसलिए केव रिप्लाई नहीं दे रही। क्यों ना केव की जगह मैं ही रिप्लाई कर दूं? कहीं ऐसा ना हो कि रिप्लाई ना मिलने पर फॉक्स डाउट में आ जाए और वापस जंगल चला जाए और मैं अपना शिकार खो दूं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। थिंकिंग सो, फॉक्स को फूल बनाने के लिए टाइगर बड़े प्यार से बोला, कम इन माय ब्रदर फॉक्स, आज तुम इतना लेट क्यों आए हो? कम इन माय डियर। टाइगर की वॉइस सुनकर फॉक्स समझ गया कि केव में टाइगर है एंड ही रैन फॉर हिज लाइफ। आफ्टर सम टाइम टाइगर केव के बाहर आया, लेकिन फॉक्स तो वहां था ही नहीं। द टाइगर बिकेम वेरी अपसेट और वो वहां से मुंह लटका के चला गया। तो इस तरह से क्लेवर फॉक्स ने अपनी ट्रिक से अपनी जान बचा ली और टाइगर बेचारा हंग्री ही रह गया। तो अब समझ में आया बच्चों कि कौन बड़ा है, बुद्धि या ताकत?